विद दिस न्यू ईयर आप सब लोगों ने अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो बना ही लिया होगा, और एक लंबे लिस्ट ऑफ रिजोल्यूशन में जिसमें आपके पर्सनल रिजोल्यूशन कुछ होंगे, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन होंगे, और एक रिजोल्यूशन होगा आपका हेल्थ एंड फिटनेस वाला रिजोल्यूशन। हालांकि रिजोल्यूशन बनाना कोई गलत बात नहीं है, दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ। सो बहुत लोगों का जो फिटनेस और हेल्थ वाला रिजोल्यूशन रहता है वो रहता है कि एक पर्टिकुलर कपड़ों में आने का, एक पर्टिकुलर साइज अटेंड करने का, बॉडी शेप अटेंड करने का, या कुछ लोगों का रहता है कि उनके जनरल वेलनेस को इम्प्रूव करने का, या अपनी जो करेंट फिटनेस लेवल है उसको इम्प्रूव करने का रिजोल्यूशन। बहुत लोग ट्राई करते हैं अपने रिजोल्यूशंस को स्टिक करने का, बट लंबे समय तक वो स्टिक नहीं कर पाते हैं, एंड दैट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस, जिसके वजह से शुरू में तो काफ़ी जोश में रहते हैं अपने रिजोल्यूशंस को कंप्लीट करने के लिए, बट धीरे धीरे ही उनका जोश डाउन हो जाता है एंड दे आर अनेबल टू फॉलो ए पर्टिकुलर डाइट, वर्कआउट और ए हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ 10 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी फिटनेस या हेल्थ रिजोल्यूशंस को आराम से अचीव कर पाएंगे, एंड आप अपनी थ्रू आउट दी जर्नी पूरे साल भर कॉन्सिस्टेंट भी रह पाएंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में। सो पहला टिप्स है, स्टार्ट स्लो एंड सेटअप स्मॉल गोल्स। अब मैंने लाइफ में कभी भी जिम में वर्कआउट नहीं किए, और पहले दिन आफ्टर मेकिंग ए न्यू ईयर फिटनेस रिजोल्यूशन मैं चला गया जिम में वर्कआउट करने, 1 से 1.5 घंटे तक वर्कआउट कर लिया जोश में। अब दूसरे दिन बिकॉज ऑफ द मसल सोरनेस एंड पेन मैं तो वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, शायद तीसरा दिन भी ऐसा हो सकता है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँ बिकॉज ऑफ द मसल्स पेन। अब इससे मेरी इरेगुलरिटी बढ़ जाएगी और आगे चल के मैं जिम डिसकंटिन्यू कर दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं हर दिन जब मैं चालू करूँ अपना वर्कआउट 15 या 20 मिनट का वर्कआउट करूँ, हल्का फुल्का वर्कआउट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मुझे ना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है ना ही मुझे कार्डियो करना है, बहुत ही हल्का फुल्का वार्म अप जैसा वर्कआउट मुझे करना है, और स्लोली धीरे 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 मुझे वर्कआउट की इंटेंसिटी में बढ़ा सकता हूँ जैसे मैं जिम में और अपने वर्कआउट में रेगुलर हो जाऊँ। नेक्स्ट है, हमें छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना पड़ेगा पहले बिफोर अचीविंग ए न्यू गोल और ए बिग गोल। अब मान लीजिए कि मेरा जो गोल है वो है फॉलोइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, वो अपने में ही बहुत बड़ा गोल है। अगर मैं मेरी जो खाने पीने की आदत है बहुत ही ख़राब है, मेरी सोने की आदत ख़राब है, मैं पानी नहीं पीता हूँ, और कल चल के मैं बोलूँ कि मैं सारे आदतों को एक दिन में बदल दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। सो पहला ऐसा गोल रहना चाहिए कि मैं अपनी सोने की आदतों को सुधारूँ, मैं ठीक टाइम पर सोने जाऊँ। वंस मैं छोटा सा सोने वाला आदत ठीक कर लिया, उसके बाद मैं अपनी डाइट पर जा सकता हूँ। तीसरा, मैं फिर अपने एक्टिविटी लेवल पे जा सकता हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे मैं सारी छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करूंगा रादर देन फोकसिंग ऑन ए बिग गोल। नेक्स्ट है, सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट्स इन योर जर्नी। अक्सर इस भागदौड़ जिंदगी में हम इतने बिजी हो चुके हैं जिस वजह से हम अपने डिक्शनरी से जो ग्रेटफुलनेस है उसको मानो कप का हटा ही दिया है। हमें लगता है कि लाइफ इज ए रेस। रिमेंबर, लाइफ इज ए रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। जिस वजह से हम अपनी छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट कोई भी बड़े अचीवमेंट को या कोई भी बड़े गोल को पाने के लिए हमें पहले अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब हम हर एक अपने छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें और अपने आप पे ग्रेटफुल हो। तब हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी जो बड़ी गोल है उसे अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। आपने तो जिम में वो मोटिवेटिंग वाला कोट देखा होगा, गो हार्ड और गो होम। अब ये कुछ लोगों के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है बट मैक्सिमम लोगों के लिए एक पनिशिंग स्टेटमेंट है। आपको फिट या हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, ना ही आपको एक बहुत रेस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करना है ताकि हर वक्त वो आपको एक बर्डन लगे। आपको एक सस्टेनेबल डाइट और वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करना है जो आपको सस्टेनेबल लगे और आप इजीली फॉलो कर पाओ विदाउट एनी हैसल। तब जाके आपके माइंड और बॉडी को वो काम रखेगा और आपको अपने फिटनेस जर्नी में बेटर तरीके से फोकस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल विद सेम फिटनेस गोल। हमारी जो बिहेवियर एंड एक्शन है वो 80 से 90% हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होती है। सो जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा उठते बैठते हैं हमारी एक्शंस और हमारी बिहेवियर भी उन लोगों के तरह ही होती है। सो अगर हमारा कोई भी फिटनेस गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं तो हमारा जो उठना बैठना है वो मैक्सिमम उन लोगों के साथ ही होना चाहिए जिनका सेम फिटनेस गोल हो, या उन लोगों के साथ जो फिटनेस में रुचि रखते हैं।
वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। नेक्स्ट है, ड्रॉप द एटीट्यूड ऑफ एवरीथिंग और नथिंग। सबको अपने काम में परफेक्शन लाना पसंद है और ये होना भी चाहिए कि हर दिन हमें धीरे धीरे जितना हो सके उतना बेहतर करना चाहिए अपने काम को लेकर। बट ये बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि करूँगा तो बहुत अच्छी तरह से करूँगा 100% एज ए परफेक्शनिस्ट, और नहीं करूँगा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका एटीट्यूड। आप जितना भी ट्राई कर लो 100% परफेक्शन के साथ आप कभी भी नहीं कर पाओगे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा ही आपसे। रियल लाइफ में परफेक्शनिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। सब कुछ लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। तो डोंट ट्राई टू बी ए परफेक्शनिस्ट, रादर देन ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स परफेक्शन। नेक्स्ट है, सेटिंग अप ए रियलिस्टिक एंड सस्टेनेबल गोल। सेटिंग ए रियलिस्टिक गोल आपके जर्नी में बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। अगर आप दूसरे किसी को देख के इंस्पायर होते हैं और उससे आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट उनके तरह ट्रांसफॉर्म होना शायद आपके लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके हालात अलग हैं, आपके एनवायरनमेंट अलग है, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। इसके वजह से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है वो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है। इस वजह से आपको कोई भी अनरियलिस्टिक गोल नहीं सेट करना चाहिए जो कि आपके हालात को कंसिडर नहीं करते होंगे, नहीं तो आप अपनी फिटनेस जर्नी कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको निराशाएं होगी। नेक्स्ट है, जर्नलिंग योर मिस्टेक्स एंड अचीवमेंट। अपने गलतियों से सीखना और उसे सुधारना आपको अपने जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये तब हो पाएगा जब आप रेगुलर जर्नलिंग करेंगे। बहुत बार हम गलतियां करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर हम कहीं पे इसे लिख लें तब उसे कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। सिर्फ आपको गलतियां नहीं लिखनी है, आपको अपने अचीवमेंट्स भी लिखना है ड्यूरिंग द जर्नी, ताकि कभी भी अगर हम डीमोटिवेटेड फील करें आगे चल के तो वो पढ़ के हमें मोटिवेटेड लगेगा। नेक्स्ट है, फॉलो ए सस्टेनेबल अप्रोच एंड अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। आप अगर पूरी जिंदगी फिट रहना चाहते हैं तो आपको एक सस्टेनेबल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जहां पे आपकी डाइट एंड वर्कआउट प्लान सस्टेनेबल होनी चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा कि फिट रहने के पीछे साइंस क्या है। आपकी नॉलेज एंड अवेयरनेस ही आपको पूरी जिंदगी फिट रख सकती है, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको वेट स्केल के नंबर के पीछे भागते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्लान योर गोल प्रॉपरली एंड प्रायोरिटाइज इट। हम अपने गोल को तभी अचीव कर पाएंगे जब हम उसकी प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे। गोल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही विदाउट एनी प्लानिंग चालू कर देंगे फॉलो करना, तो शायद हो सकता है कि हम अपनी गोल को कभी अचीव ही ना कर पाए। एबव ऑल हमें हमारी गोल को प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पहले आ जाएंगे और हमारा जो गोल है वो कभी अंधेरे में खो जाएगा। नेक्स्ट है, एनरोल योरसेल्फ विथ अ फिटनेस कोच। आप अपनी फिटनेस गोल्स को अकेले भी अचीव कर सकते हैं, बट एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेने से आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ और ईजी हो जाती है। आपको इतना सारा रिसर्च नहीं करना पड़ता है कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत, क्योंकि आपका कोच रहता है आपको हर समय गाइड करने के लिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है, आपका अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कोई कोच के साथ एनरोल्ड हो, देन यू आर अकाउंटेबल टू ऑल योर एक्शंस टू हिम। इससे आपकी कॉन्सिस्टेंसी बढ़ती है थ्रू आउट द जर्नी, और जिससे आप अपनी जर्नी में इजीली अपने गोल को अचीव कर पाते हो। अगर आप अपनी फिटनेस गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, एंड यू नीड माई प्रोफेशनल हेल्प ऑन दिस, सो मेरे से 1-to-1 एविडेंस बेस्ड कोचिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, या इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करके आपकी जो फिटनेस रिजोल्यूशन है इस साल की, आप उनको कंप्लीट कर पाएं सक्सेसफुली। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसे और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जाते जाते दबा दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो में। टिल देन, ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रांग।